चलिए बेटे, कल तक हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज का नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में हमने उसका मीनिंग पढ़ लिया था। मैंने आपको बिजनेस का मीनिंग बताया और ये बताया कि एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, और फिर आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के भी 3 तरीके की कैटेगरी में डिवाइडेड होती है, वो यानी बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स लिखवाई थी कि हमारे बिजनेस एक्टिविटीज की क्या करेक्टरिस्टिक हैं, उसके क्या फीचर्स हैं। और आज मैं आप लोगों को हर एक फीचर के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, एक एक डिटेल चीज बताऊंगा। तो देखिए बेटे, हम लोगों का पहला जो करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी था, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में जो हमारा पहला करेक्टरिस्टिक है, हमारा पहला करेक्टरिस्टिक था बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बात तो हालांकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हमारी बिजनेस एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी हैं जो आपके लाइवलीहुड अर्न करने के लिए की जाती हैं, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती हैं, वो सारी एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। तो अब आप इसके बारे में लिखें, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ, बिकॉज इट इज अंडरटेकन, बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ, विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ, ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग, विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड, मनी एंड लाइवलीहुड। यानी इसके पीछे जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, मनी अर्न करना और लाइवलीहुड अर्न करना। तो इस वजह से, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी जो मेन मोटिव क्या होता है, मनी अर्न करना, लाइवलीहुड अर्न करना, और बिजनेस एक्टिविटी का भी यही मोटिव है, तो इसलिए इसको बिजनेस एक्टिविटी को, बिजनेस को हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ये इसका पहला करेक्टरिस्टिक है। दूसरा इसका फीचर, दूसरा इसका करेक्टरिस्टिक है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप हेडिंग डालें प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ, प्रोक्योरमेंट मतलब होता है एक्वायर करना, परचेज करना, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए बेटे, इससे क्या मतलब है, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से क्या मतलब है। तो देखिए बेटे, गुड्स को जब भी कोई बिजनेसमैन अगर गुड्स को बेचता है, तो गुड्स को बेचने से पहले वो या तो मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, या तो मैन्युफैक्चर होगा या वो खरीदा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस करने के लिए या तो आपको गुड्स और सर्विसेज को क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर यानी प्रोडक्शन करना पड़ेगा, या फिर उसको कहीं से एक्वायर करना पड़ेगा। तो आप इसके बारे में लिखें, बिफोर गुड्स ऑफर्ड टू द पब्लिक, ऑफर्ड टू द पब्लिक, यानी एक बिजनेसमैन अगर गुड्स को पीपल को ऑफर करता है, ऑफर टू द पीपल फॉर कंजम्पशन, दे मस्ट बी आइदर तो क्या करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, दोनों में से एक काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वो कौन कौन से दो काम है, या तो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करें गुड्स को, वो जो बिजनेसमैन है वो अपने या तो फैक्ट्री के अंदर उस गुड्स को प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें, ठीक है, और या क्या करें, या फिर उसको प्रोक्यूर करें, प्रोक्यूर मतलब क्या होता है, एक्वायर करना, प्रोक्यूर करें या एक्वायर करें, एक्वायर करें किससे, खरीदे किससे, प्रोड्यूसर से, फ्रॉम प्रोड्यूसर, तभी तो बेच पाएगा एक बिजनेसमैन।
अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसको गुड्स को क्या करना पड़ेगा, या तो खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा या प्रोक्यूर यानी एक्वायर या फिर परचेज करना पड़ेगा किससे, प्रोड्यूसर से। ठीक है, तो देखिए बेटे अब इसी को ही आगे एक्सटेंड करते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो गुड्स होते हैं, जो हमारी जो गुड्स हैं हमारे, ये जो गुड्स हैं हमारे, तो वो भी उसके भी टाइप्स होते हैं। तो हम आप यहाँ पर लिखने वाले हैं टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स यानी जो गुड्स आप प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, प्रोड्यूस प्रोडक्शन करना या मैन्युफैक्चर करना या प्रोक्योरमेंट करना, एक्वायर करना प्रोड्यूसर से, तो वो कितने टाइप के गुड्स होते हैं हमारे जिसको हम या तो प्रोड्यूस या एक्वायर करने वाले हैं। तो बिजनेस जो डीलिंग करते हैं वो दो तरीके के गुड्स के अंदर करते हैं, या तो कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं वो, या तो वो गुड्स कंज्यूमेबल होते हैं, ठीक है, और या फिर वो कैपिटल गुड्स होते हैं। अब आप बोलेंगे सर कंज्यूमेबल गुड्स कौन से होते हैं और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, बताएं साहब आप हमें। तो मैंने देखा, देखो फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमेबल गुड्स किस टाइप के होते हैं, लाइक डेली यूज गुड्स, जो डेली यूज में काम में आते हैं, जैसे सच एज शुगर, जैसे कि शुगर हो गया, जैसे कि घी हो गया, जो भी कंजम्पशन पर्पस के काम में आते हैं, आपका पेन हो गया, आपकी नोटबुक हो गई एटसेट्रा। अब आपको लगता है कि जो भी आप अपनी डेली लाइफ के अंदर जो जो चीज़ों को यूज़ करते हो, कंज्यूम करते हो, जिनको एक बार हम यूज़ करके उस चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं, अब शुगर है, शुगर खा के ख़त्म हो जाएगी, घी खा के ख़त्म हो जाएगा, नोटबुक यूज़ करके ख़त्म हो जाएगी, पेन हम यूज़ कर लेंगे, वो आगे किसी प्रोडक्शन के अंदर काम थोड़ा ना आएगा, वो तो खुद के कंजम्पशन के लिए काम में आती है चीज़ें, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें प्रोडक्शन करने के अंदर हेल्प करती हैं, यानी जिसका एग्जॉस्टेबल नहीं है, जो एक बार के अंदर ही एग्जॉस्टेबल नहीं है, जो कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गुड्स कैसे गुड्स होते हैं, लाइक मशीनरी, मशीनरी आपका कैपिटल गुड्स है, आपकी फर्नीचर आपका कैपिटल गुड्स है, ठीक है, ये सारी आपकी कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके के। अब देखिए बेटे, अब मैं इसके अंदर एक चीज आपको और समझाना चाहता हूँ, जैसे जैसे कि देखो मैंने अभी आपको गुड्स के बारे में सारी बात बता दी कि टाइप्स ऑफ गुड्स कैसे होते हैं, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया बिफोर गुड्स ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर कंजम्पशन दे मस्ट आइदर बी, उन गुड्स को या तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा या मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा या प्रोक्यूर या फिर एक्वायर करना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं आपको सर्विसेज के बारे में भी बताना चाहता हूँ, इसी तरीके से सर्विसेज भी होती है, जैसे गुड्स के आपने टाइप पढ़े वैसे सर्विसेज के बारे में बताना चाहता हूँ। सर्विसेज भी आपको, यानी ऊपर अपनी हेडिंग क्या थी, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोक्यूरमेंट करना पड़ेगा, या तो गुड्स का या फिर सर्विसेज का। तो सर्विसेज भी आपको कहीं ना कहीं से अवेयर करनी पड़ेगी। अब सर्विसेज क्या होती हैं, तो लिखें आप इसके बारे में, सर्विसेज कैसे बोलते हैं, फैसिलिटी इन फॉर्म ऑफ, किस तरीके की सर्विसेज होती हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, उनको सर्विसेज बोलेंगे। भाई गुड्स आपके आप बना तो लिए आपने, अब एक जगह से दूसरे जगह तक आपको गुड्स पहुंचाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग फैसिलिटी होती है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी होती है कि कहीं आप गुड्स आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कहीं वो खराब हो जाए तो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज होती है, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज आपकी क्या कहलाती है, ये सर्विसेज कैटेगरी के अंदर आती है ये। तो जैसे कि आपने बात पढ़ी कि अभी तक हमने करेक्टरिस्टिक दो तरीके की देखी, कौन कौन सी, कि हमारी बिजनेस एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो अर्न मनी अर्न और लाइवलीहुड करने के काम में आती है, इसलिए हम इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी का दर्जा देते हैं। दूसरा हमें क्या बात बताई देखिए हमने कि कंजम्पशन, मतलब आप अगर गुड्स को ऑब्वियसली बात है कई बार बेचते हो तो उससे पहले, बेचने से पहले आपको गुड्स और सर्विसेज को पहले आपको लोगों को ऑफर करने से पहले, उनको कंजम्पशन पर्पज के लिए ऑफर करने से पहले आपको खुद को भी तो गुड्स परचेज करना पड़ेगा, या तो आप उसको प्रोक्योर एक्वायर यानी परचेज करेंगे या फिर खुद प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करेंगे। जब आप प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर कर लेंगे तभी तो आप गुड्स को दे सकते हो किसी दूसरों को। अब आती है बात कि गुड्स के भी दो तरीके होते हैं, दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमेबल गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। तो जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं आपके वो डेली यूज गुड्स होते हैं, जो जिनको आप कंज्यूम करते हो, जैसे शुगर, घी, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इस तरीके की जो चीजें हैं जो आप कंज्यूम करते हो, आपके क्लोथ्स हो गए, ये आपके कंज्यूमेबल गुड्स हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो आपके आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गई एटसेट्रा। और सर्विसेज मैंने आपको बात बताई कि फैसिलिटीज को बोलते हैं, जैसे कि आपको गुड्स आपके प्रोडक्शन तो हो गए लेकिन वो प्रोडक्शन करने के बाद आपको फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपकी सर्विसेज कहलाएंगी। बैंकिंग फैसिलिटी आपकी सर्विसेज कहलाएंगी।
इंश्योरेंस आपका सर्विसेज कहलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आपका सर्विसेज कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक करेक्टरिस्टिक के दो पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।